आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाले पोहे की रेसिपी शेयर करूंगी। टेस्ट में तो लाजवाब है ही और ये बहुत ही कम समय में बनता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। अभी 2 कटोरी मैंने पोहा लिया, इसको अच्छे से धो के 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना। और इसमें हमें पानी में भिगो के नहीं रखना है इसे। इसके लिए मैंने नींबू, 1 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन, 1 आलू और मूँगफली ली है। कड़ी पत्ता भी इसमें लिया है मैंने। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया। इसे सबसे पहले हम मूँगफली को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मूँगफली को आप 1 मिनट तक फ्राई करें और इसके बाद इसे निकाल लें। मूँगफली को फ्राई करने के बाद इसी तेल में अब हम आलू को भी फ्राई करेंगे। पोहे में आलू डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। आलू भी फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई करने से आलू का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता, तो इसलिए मैंने फ्राई किए। इसी तेल में अब मैंने लहसुन ऐड कर दिया, 1 चम्मच राई का ऐड किया और कड़ी पत्ते ऐड कर दिए इसमें। इसे हम भून लेंगे अच्छे से। 1 बड़ा प्याज भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। हरी मिर्चियाँ भी, 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करी। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने 1 टमाटर भी ऐड कर दिया। टमाटर को भी अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करी और ये मैंने घर पे बना हुआ गरम मसाला ऐड किया। मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर प्याज अच्छे से भुन जाए इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अभी इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मसाला भी अच्छे से हो गया, अभी इसमें पोहा ऐड करेंगे। पोहे में गुठलियाँ ना बनी हो इसलिए मैं हाथों से इसे अलग अलग कर रही हूँ। पोहे में मसाला अच्छे से मिक्स हो इसलिए इसका दानेदार और खिला खिला होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसे मसाले में मिक्स कर दूँगी। पोहे को अभी अच्छे से मसाले में मिक्स करें। पोहे को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया, इससे अच्छे से पोहा मिक्स हो जाता। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और आलू भी इसमें मैंने फ्राई किए हुए आलू भी इसमें ऐड कर दिए। अभी मैं इस स्टेज पे अभी मैं इसमें 2 नींबू का रस ऐड करूँगी। नींबू डालने से पोहा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनता। अभी हम ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए पोहा काफ़ी खिला खिला हुआ बना, अभी हम इसे सर्व करेंगे। मैंने इसमें प्याज, कटा हुआ प्याज ऐड किया, हरी कटी हुई हरी मिर्ची और टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे और फ्राई की हुई मूँगफली भी इसके ऊपर डाल देंगे। आलू भुजिया भी इसके ऊपर डाल देंगे। आलू भुजिया डालने से काफ़ी अच्छा पोहा बनता और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता। अभी मैं इसे नींबू के साथ सर्व करूँगी। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप पोहा बनाएं। पोहा बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनता है, ये सभी को बहुत पसंद आता। और आपको ये पोहे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।